ऑडियंसेस को, फैमिली को, बच्चे देख पा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब मैं गैंगस्टर फैशन जैसी फिल्में करती थी तो बच्चों को देखने नहीं मिलती थी मेरी फिल्में, ज़्यादा करके कुछ ड्रग एडिक्ट या साइको या कुछ ऐसे ऐसी फिल्में हुआ करती थी। बट मैं हमेशा से ही मेरा ये सपना था, जब मैं फिल्म डायरेक्ट करूँ तो मैं चिल्ड्रन ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म डायरेक्ट करूँ, और इस फिल्म के साथ में मेरा वो सपना पूरा हुआ है। और जितना आप लोगों से प्यार मिल रहा है फिल्म को और जितना प्रोत्साहन मिल रहा है हमारी टीम के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और सो ऑल द टीचर्स जो बच्चों को ये फिल्म देखने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, हम लोगों को भी फिल्में दिखाने जब लेके जाते थे, हम लोग जब स्कूल में थे तो एक हमारी कोई ना कोई या तो वार्डन मैम होती थी या तो बहुत ही स्वीट टीचर होती थी जिनको ये आइडिया आता था कि बच्चों को फिल्म दिखाने। सो आई वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल हु आर कमिंग अप विद दीज आइडियाज टू यू नो टू शो चिल्ड्रन दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में जो एक पेट्रियटिज्म है, इस फिल्म में जो एक देश को लेके भक्ति है या जो भाव है, वो आई थिंक हमारे बचपन में हमने भी देखा है, और वही देख के आज हम लोग वी आर एन एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट, कि हमने अपने बचपन में जो देखा है, जो सीखा है, तो ये हम लोगों को जिन्होंने हमें वो तोहफे दिए थे, ये हमारी तरफ से आप बच्चों के लिए ये तोहफे हैं। क्योंकि जिस इंसान का जो बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जो अपने अपनों को लेके गर्वित होता है, उनके साथ में सहयोग रखता है, उनके साथ में एकता की भावना रखता है, वो इंसान का चरित्र है बहुत मजबूत हो जाता है। और जिसका चरित्र बहुत मजबूत होता है उसे दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। सो आप सब बच्चों को बहुत शुभकामनाएं आपके बहुत ही सुनहरे भविष्य के लिए। हेलो, आदित्य अकायरकर। यस आदित्य जो होता है, प्रांजलि पटेल, याशिका पंजाबी, सब
जा पोडियम ला अच्छा अली टेक अली थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू आई रिक्वेस्ट टू नो थैंक यू वेल जो फिल्म है हम लोगों ने आज बच्चों के लिए गैदर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज कैन वी प्लीज हैव साइलेंस प्लीज साइलेंस देयर एट द बैक प्लीज साइलेंस वेट का साइलेंस या मैम नो 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 ओके सो फॉर अस इट्स बीन अ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस कि फिल्म को इतना सराहा जा रहा है इतनी सफलता मिल रही है और आज कई स्कूल जो है फिल्म की स्क्रीनिंग रखी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से बच्चे आए हुए हैं जो कि फ़िल्म देख रहे हैं और हमारे लिए जैसे मैंने कहा मेरी ये तमन्ना थी कि जब मैं फ़िल्म डायरेक्ट करूँ तो चिल्ड्रन ऑडियंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो हमारे देश का जो है वो फाउंडेशन है तो उनको ये हाँ देशभक्ति की जो फ़िल्म है देश से देशवासियों से देश की मिट्टी से प्रेम करने वाली जो फिल्म है ये आज ये प्रस्तुत करके और इनके लिए इनके जो 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 फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनके प्रति उनको अवगत करा के उनका एक हिस्सा बना के ये बहुत ही ज़्यादा एक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्म तो सबसे जो कहीं कुछ छोड़ गया क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है जो आप जानते हो कुछ ऐसा लग रहा है आपको कुछ छोड़ देखिए जो हमारे फिल्म जो शो बिजनेस होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है ऐसा तो जो फिल्म में चाहे कंट्रोवर्सीज ले लीजिए या फिल्म में लेकर जो विवाद ले लीजिए मगर ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी छूटा है हमारी फिल्म जो है पर्दे पर है थिएटर्स में है लोगों तक पहुंच रही है तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ छूटा हुआ है और ना ही किसी तरह का कोई जिस तरह से या तो आप ये नहीं कह सकते कि लीगली हम लोगों ने वी हैव टेकन एनी लिबर्टीज ऑफ पोर्ट्रेइंग क्योंकि हमेशा जो भी हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं उनको इतना गलत तरीके से दिखाते हैं सब क्योंकि आधे से ज़्यादा कम्युनिटीज जो है नाराज़ होकर बैठ जाती हैं या उनको लगता है कि उनका अच्छे से नहीं दिखाया उनको या किसी ना किसी तरीके से सेंसेशनलाइज करके उनको भुनाया या अलग तरह से पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं जो भी कम्युनिटीज़ हैं सब बहुत खुश हैं हमारी जो झांसी की से जो भी उमा भारती जी हैं उन्होंने इतना अच्छा लिखा है फिल्म को लेके एक पत्र लिखा है इसको टेक्स्ट भी बनाने के लिए तो इस तरह से जो जिस दायित्व से हमने काम किया जिस जिम्मेदारी से हमने काम किया है उस जिम्मेदारी से ही हमें इज्जत भी मिल रही है ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है रानी झांसी पर फिल्म बनाना क्योंकि ये फिल्म जो है पब्लिक डोमेन में है ऐसा तो नहीं है कि मेरी खुद की कहानी है मेरे किसी दोस्त की कहानी है और मैंने जैसे तैसे बना ली ये फिल्म 130 करोड़ भारतीयों को बिलोंग करती है आप उठकर ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है मैं आप पे केस करता हूँ इस तरह का कुछ हो नहीं रहे तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है बाकी कुछ लोग जो हैं जब किसी को सफलता मिलती है तो जलने वाले तो आपके पड़ोस में भी चार होंगे तो ये तो ह्यूमन नेचर है तो उनको ना ध्यान देकर जो हमारे लिए जो इस वक्त जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देकर इस फिल्म को हमारी जो जनरेशन है उस तक पहुंचाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है मैं लेकिन फिल्म की कास्ट भी इस पे विरोध कर रही है देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती को ले जाए तो क्रिश को ले आ जाए मतलब उनका मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है अगर उनको ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जिन लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था तो वही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का तो हम क्या करेंगे हम तो फिर भी छोटे मोटे ह्यूमन बींग्स हैं तो जो लोग नहीं सुधरने वाले वो नहीं सुधरने वाले लेकिन जो लोग इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं और जो इस फिल्म को सम्मान दे रहे हैं और जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई है मैंने डायरेक्शन में एक भी पैसा नहीं लिया अपनी ज़िंदगी में एक साल दिया दो फिल्में छोड़ी जो दो फिल्मों का मेरा कॉन्ट्रैक्ट 20 करोड़ से ज़्यादा के थे समझे आप तो जिन लोगों ने नहीं सुधरना है उनको तो कोई नहीं सुधार सकता उनकी बात मत कीजिए लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा इस फिल्म को वक्त दिया है उनके नाम ही आपको याद आता है क्या प्रसून जोशी का नाम नहीं आता था शंकर एहसान लोहे का नाम नहीं आता था जी स्टूडियो ने इतना पैसा लगाया पहली बार एक फिल्म को मेरे पे नहीं लगाया झांसी की रानी पे लगाया इन बच्चों तक पहुंचाने के उनके नाम याद नहीं आते आपको जिस इंसान का कोई नाम नहीं है उसका नाम बना रहे हैं आप कंगना
यू नो बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सिलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. डू यू थिंक परहैप्स यू नो प्रमोटर मनी करने का द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ बेनिफिट? मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा, आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है. तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई. सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला. तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए. कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुँह पर कहती हूँ. मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए. आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है. और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूँगी, एक एक को एक्सपोज करूँगी. एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल फॉर ट्रबल बाई गैंगिंग अप ऑन मी, है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच.